नमस्कार दोस्तों, आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब होता क्या है, जमीन पर हमारी हवा में काफी सारा वाटर वेपर मौजूद होता है। अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, अब जब ये वाटर वेपर हायर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद होता है, ठंड की वजह से कंडेंसेशन होती है, ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है, बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं तो हमें बादल दिखते हैं, एक्चुअली यही क्लाउड्स हैं। अगर कोई बादल और भी ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पे मौजूद है तो हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, इसका मतलब कंडेंसेशन ही नहीं बल्कि फ्रीजिंग भी हो जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती है। तो अगला सवाल उठता है कि इन बादलों से बारिश कैसे होती है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे में जाकर मिक्स हो जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं। ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बनती हैं और आइस क्रिस्टल्स भी कोलाइड करके एक दूसरे के साथ बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक ये आइस क्रिस्टल्स इतने बड़े नहीं हो जाते कि इनके वजन की वजह से ही ये जमीन पर नीचे गिरने लग जाए। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेंगे और स्नोफॉल होगी। अगर हवा गर्म है नीचे जमीन पर तो ये पिघल जाएंगे और बारिश की तरह नीचे गिरेंगे। कुछ इस तरीके से बारिश होती है।